संबित पात्रा, बात आप पर थी, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि बार बार जब इन पत्थरबाजों से या राजनेताओं से भी जम्मू कश्मीर में पूछा जाता है कि आखिर आप क्या चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये डेवलपमेंट का विषय नहीं है, ये एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं हम लोग। देखिए, आपको याद होगा जब 80,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को दिया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर का राइटफुल डिमांड है, उनका उन्हीं के हक का पैसा उनको मिला, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि नहीं नहीं, पैसे से कुछ नहीं होगा, ये पत्थरबाजी पैसे से बंद नहीं होगा, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। मैं आज शबनम लोन जी से पूछता हूँ कि आखिर ये पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है। और मैं आपको इतना भी कह दूँ, अगर आप कहेंगे कि पॉलिटिकल सोल्यूशन ऑटोनॉमी है, प्री 1953 पर स्टेट है, या तो फिर इंडिपेंडेंस है, तो वो तो भूल ही जाइए। और अगर आप कहेंगे कि नहीं, हम परेशान होकर पत्थर फेंक रहे हैं क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है और हम अग्रीव्ड हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, फिर तो जो हमारे कश्मीरी पंडित नवयुवक है उनको तो माउंट एवरेस्ट फेंकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप परेशान होकर पत्थर फेंक रहे हैं तो उससे ज्यादा परेशान तो कश्मीरी पंडित नवयुवक है, उनको पत्थर बड़े बड़े माउंटेन फेंकने चाहिए। देखिए, इसके पीछे जो आपकी मनसा है उसको क्लियर करिए, इंडिपेंडेंस नहीं, आप इंटीग्रल पार्ट इंडिया के हैं। ओके, शबनम लोन, पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले पॉलिटिकल सोल्यूशन मैं क्यों बोलूं आपको, आप जो इतने जबरदस्त वहां पे बैठे हुए हैं सब लोग बुद्धिमान, सवाल ही पैदा नहीं कश्मीरियों को, आपको पॉलिटिकल सोल्यूशन बोलना ही नहीं चाहिए। एक दूसरी बात मेरी संबित पात्रा जी से, इन्होंने ये बार बार कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, आज रोहित सरदाना, आपको भी मजा उसी में आता है ना जहाँ चीख चिल्लाहट हो जाए, केवल सोल्यूशन की बात हो तो आप उसको बाईपास कर देती है ना, आपको भी मजा इसी में आता है कि कश्मीरी पंडित की बात पे वापस जाऊं, फिर हम एक दूसरे पे चीखे चिल्लाएं, एक घंटा खत्म हो जाए और घर चले जाए, फिर अगले दिन किस दिन आ जाए डिबेट। सुनिए, नहीं नहीं, आप बोलिए ना, सोल्यूशन क्या है आपकी नजर में? मैं कह रही हूं कि आप दावा करती है ना कि आप कश्मीर की आवाज है, आप बोलिए ना क्या सोल्यूशन है कश्मीर को चाहिए? कश्मीरी पंडित जो वहाँ कैबिनेट में क्यों नहीं है कोई मिनिस्टर? मैं आज मैडम, मैं सवाल आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, आप जवाब कुछ और देनी है। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि कश्मीर को क्या सॉल्यूशन चाहिए? दीजिए, कश्मीर को क्या सॉल्यूशन चाहिए ये तो बताइए। क्यों, वैसे उससे पहले मैं जरा कैमरामैन से कहूंगी, ये जरा नहीं, पहले नहीं, मोहतरमा जवाब दीजिए, मोहतरमा आप जवाब दीजिए, कैमरामैन आप जवाब दीजिए, आप डिबेट नहीं कर सकती हैं। अगर आप डिबेट पर आई हैं तो आपको ईमानदारी से डिबेट करना पड़ेगा, आप जवाब दीजिए। उन्होंने कर दिया, आपको ईमानदार होना पड़ेगा, क्या चाहिए कश्मीर को बोलिए, आपको ईमानदारी से बताना पड़ेगा कि आपके जहन में क्या है पॉलिटिकल सोल्यूशन। जिस तरह से आप लोगों ने मुझ पर आज जबरदस्त हमले किए हैं, इस तरह से मेरे साथ काम नहीं चलता। आप कुछ भी, आप जवाब दीजिए, आपसे सवाल ही पूछा जा रहा है, आप वही कर लेके आइए, पांच लोगों की वही पॉलिसी कर रही है, ठीक है, शबनम लोन ये वही पॉलिसी है कि हम तो हाथ में पत्थर लेके आएंगे, हम हाथ में पेट्रोल पंप लेके आएंगे, हम अपने को इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ट्रीट करना चाहेंगे, लेकिन आप अपनी सेना को अगर कहेंगे गोली चला रहे हो तो हम कहेंगे कि हम विक्टिम हैं, हाय हमें मार दिया। ये वही पॉलिसी है जो आप टीवी पे अपना रही है, वही पे वहां लड़कों को अपनाने को कहती है जो पत्थर लेके आते हैं। ठीक है मैडम, हो गया मैडम, पर्याप्त समय मैंने आपको दिया, इससे ये पता लग गया कि मानसिक तौर पर आपका स्टैंड क्या है, वो साफ हो गया कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आप केवल हल्ला मचाने आती है। नहीं नहीं मिश्रा साहब, सॉल्यूशन क्या है पत्थरबाजों का? एक आप लास्ट कमेंट केवल मिश्रा साहब, क्या मतलब है पत्थरबाजों का जवाब एक है, जो जनरल रावत ने कहा है, पत्थरबाज जितने भी हैं उनको टेररिस्ट ट्रीट करना पड़ेगा और कोई आंसर नहीं है। ठीक है, और जनरल रावत ने जो बात कही है 100% करेक्ट है, वही उसका आंसर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोक के हिस्सा बनने के लिए। राजीव त्यागी, माफी चाहता हूँ, कमेंट आप करना चाहते थे लेकिन समय से हम ओवर हैं ऑलरेडी। एक चीज आपने देख ली, जो पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं उनसे आप अगर पूछिए कि सॉल्यूशन क्या है, उनके पास सॉल्यूशन नहीं होता, वो वापस वहीं चले जाना चाहते हैं जहां हल्ला हो, हंगामा हो। इसलिए देश की राजनीतिक पार्टियों को तय करना पड़ेगा कि वो कश्मीर को हमेशा अपने चुनाव घोषणा पत्र में ही देखना चाहते हैं, या फिर कश्मीर को जो भारत का स्वर्ग कहा जाता है वाकई स्वर्ग की तरह बना के रखना चाहते हैं।